गौहर खान के खिलाफ होती नजर आ रही है जैस्मिन भसीन। आखिरकार क्यों उन्होंने कहा जैस्मिन भसीन ने गौहर खान के लिए ऐसी बात, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं निधम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। आपको बता दूं कि निकी तांबोली ने घर में काम करने से मना कर दिया है, जिसका कारण बना है गौहर खान भी निकी को कुछ नहीं बोल रही है, कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो पूरा माजरा चल रहा है वो चल रहा है खाने की वेजिटेबल्स की चॉपिंग को लेकर। चॉपिंग को लेकर निकी तांबोली ने जब मना कर दिया तो गौहर खान ने भी कहा कि जो लोग खाना बनाते हैं उन्हें ही चॉपिंग का काम भी करना पड़ता है, अदर कंटेस्टेंट जो है वो चॉपिंग में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको चॉपिंग एक एज अ ड्यूटी ही चाहिए रहेगी। इस बात को सुन के नेक्स्ट डे की बातें यानी कि कल के एपिसोड की बातें, यहाँ पर जैस्मिन भसीन रुबीना और अभिनव के सामने ये बात कह देती हैं कि मैं अब जो है किचन की ड्यूटी नहीं लूंगी, क्योंकि सिर्फ करछी तो हिलानी है तो कोई भी हिला ले, क्योंकि गौहर खान ने इस बात को कहा था कि खाना पकाना सिर्फ करछी हिलाना ही होता है, तो आप सिर्फ नमक मिर्ची मसाला डाल दो और खाना बना दो और आप बोलो कि आपने कुकिंग कर ली है, तो चॉपिंग भी जो है वो पार्ट ऑफ द कुकिंग है। वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हाँ ये बात सच है, लेकिन जब 14 से 15 लोगों का खाना बनाना होता है तो उस समय पर हेल्प चाहिए ही होती है, क्योंकि वेजिटेबल्स इतने ऐसे नहीं होते कि कोई दो चार लोगों के लिए खाना बनाने तो उतना ही काटने पड़े, काफी ज्यादा क्वांटिटी में कट करने पड़ते हैं, इसमें टाइम भी लगता है, तो एक इंसान कब बैठेगा, कब बनाएगा और कब जो है वो खाएगा। तो इस हिसाब से जो है, तो जहाँ पे जैस्मिन कहती है तो यहाँ पे रुबीना भी कहती है कि सच में हम लोग भी बोलेंगे हम लोग चॉपिंग कर देते हैं, चॉपिंग में हेल्प कर देते हैं और हम किचन ड्यूटी जो है वो नहीं लेंगे। वेल, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सही कहा है जैस्मिन ने, हाँ या ना कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, पर चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस।